हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं मंगेश और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग क्यू एन ए यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे पास बहुत बार, मैं कहूँगा हज़ारों बार आ चुका है कि भाई मेरे बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, मैंने 10 दिन पहले बैकलिंक बनाए वो इंडेक्स नहीं हो रहे, मैंने 20 दिन पहले बैकलिंक बनाए वो इंडेक्स नहीं हो रहे। सो अगर आप जानना चाहते हैं इन डिटेल कि आपके बनाए हुए बैकलिंक्स गूगल में, एचरेफ में, सेमरश में या जहाँ पर भी आप चेक करते हैं वहाँ पर इंडेक्स क्यों नहीं हो रहे, और कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने बैकलिंक्स को जल्दी से इंडेक्स कर सकते हैं, क्या वो तरीके हैं जिससे मैं पर्सनली अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स करता हूँ। सो वीडियो डिटेल में होने वाली है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि प्रैक्टिकल बताऊंगा। सो मेक श्योर वीडियो को शुरू से लास्ट तक का जरूर देखें, और अगर आप मेरी कोई भी अर्निंग प्रूफ, मेरे वेबसाइट के स्टेट्स वगैरह जानना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर सारी ही मैं यहाँ पर अर्निंग प्रूफ वगैरह डिटेल शेयर करता हूँ जो कि मैं यूट्यूब पर शेयर नहीं करता हूँ। सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद आए तो। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टूडेज वीडियो। सो गाइज, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि हाउ मच टाइम बैकलिंक टेक्स टू इंडेक्स। यानी आप सभी लोगों को पता होगा बैकलिंक क्या होता है, बैकलिंक कैसे बनाते हैं, वो सारे तरीके आपको पता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन यहाँ पर लोगों को आता है कि भाई मैंने 10 दिन पहले बैकलिंक बनाया, मैंने 20 दिन पहले बैकलिंक बनाया, मैंने 30 दिन पहले बैकलिंक बनाया, लेकिन मेरा बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ कि बैकलिंक इंडेक्स क्यों नहीं होते, बैकलिंक इंडेक्स करने के तरीके क्या हैं, और कौन सी ट्रिक मैं यूज करता हूँ बैकलिंक इंडेक्स करवाने के लिए, और आपको कौन से टाइप के बैकलिंक बनाने चाहिए। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे जाके आप पूछ सकते हैं, और पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए, वहां पर आप मेरे से पर्सनल बातचीत कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन, हाउ मच टाइम बैकलिंक टेक्स टू इंडेक्स। सो गाइज, इसका आपको कोई भी फिक्स आंसर नहीं बोल सकता कि आपका बैकलिंक 24 घंटे में इंडेक्स हो जाएगा, आपका बैकलिंक एक दिन में इंडेक्स हो जाएगा, आपका बैकलिंक 10 दिन में इंडेक्स होगा। जो बैकलिंक का इंडेक्सिंग का तरीका है वो डिपेंड करता है कि जिस वेबसाइट पे आपने बैकलिंक बनाया है वो वेबसाइट कैसी है, कितने टाइम ड्यूरेशन में, कितने इंटरवल में वो रेगुलरली क्रॉल हो रही है। सो आप जब भी कोई भी वेबसाइट पर बैकलिंक बनाओ तो वो जरूर चेक कर लेना कि उस वेबसाइट का DAPA स्पैम स्कोर क्या है, वो तो आप लोगों को पता है। लेकिन एक और चीज़ कि वो वेबसाइट रेगुलरली गूगल के जो बॉट्स हैं, गूगल के जो क्रॉलर हैं, उस वेबसाइट को क्रॉल कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि जब गूगल के क्रॉलर उस वेबसाइट को क्रॉल करेंगे तभी आपके लिंक्स इंडेक्स होंगे। अगर ऐसी वेबसाइट पे बैकलिंक बना रहे हो जो क्रॉल ही नहीं हो रही तो कोई फायदा नहीं है उस पर बैकलिंक बनाने का, क्योंकि एट द एंड वो इंडेक्स नहीं होगा। सो अगर मैं बात करूं कि किसी भी वेबसाइट को कैसे चेक करते हैं कि वो क्रॉल हो रही है या नहीं, या फिर कौन सी डेट को क्रॉल हुई है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वेबसाइट है bloggingqna.com। अब मेरे को ये चेक करना है कि मेरी वेबसाइट पे गूगल के क्रॉलर कब आए थे, उन्होंने मेरी वेबसाइट को कब क्रॉल करके सारी अपडेट करी थी। तो आपको क्रॉल करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपको डालना है कैशे CACHE, उसके बाद ये, एंड देन आपको डालना है अपनी वेबसाइट का URL। तो सिंपली मैं डाल देता हूँ यहाँ पर कैशे bloggingqna.com, ठीक है। अब मैंने ये डाल दिया, अब जैसे ही मैं ओपन करूंगा मुझे यहाँ पर दिख जाएगा कि मेरी वेबसाइट कब क्रॉल हुई। देखो, दिस इज गूगल कैशे ऑफ bloggingqna.com, इट इज द स्नैपशॉट ऑफ द पेज एज इट अपियर्ड ऑन 5th May 2020, यानी कि 5 मई 2020 को 6:14 पे मेरा ये पेज क्रॉल हुआ था। सो अभी इस पेजेस पे अगर मैं बात करूं कि आज 7 मई है, तो अगर मैंने अभी इस पेज पे कुछ भी चेंजेस करें तो वो अभी, या फिर कुछ बैकलिंक्स बनाए तो वो अभी, इस वेबसाइट से जो भी आउटबाउंड लिंक जा रहे होंगे वो अभी इंडेक्स नहीं हुए, क्योंकि जो 5 मई 2020 तक थे वो सारी चीज़ें क्रॉल हुई हैं। जो मैंने 6 मई को यहाँ पर करा, जो मैंने 7 मई को इस वेबसाइट पर करा, वो क्रॉल नहीं हुआ। तो जैसे अगली बार क्रॉल होगा तो पीछे का इंडेक्स हो जाएगा। सो इस तरीके से जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे बैकलिंक बना रहे हो तो ये जरूर चेक कर लेना कि वो रिसेंटली क्रॉल हुई है या नहीं। अगर बहुत टाइम से, 2-3 महीने 4 महीने से वो वेबसाइट क्रॉल ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपको उस पर बैकलिंक नहीं बनाना है, क्योंकि वो क्रॉल ही नहीं हो रही। सो आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी, क्योंकि क्रॉल ही नहीं हो रही तो वेबसाइट वो इंडेक्स नहीं होगी, इंडेक्स नहीं होगी तो आपके बैकलिंक इंडेक्स नहीं होगी। और अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट पर बैकलिंक बनाते हो जो फ्रीक्वेंटली इंडेक्स हो रही है, फ्रीक्वेंटली क्रॉल हो रही है, तो आपके 24 आवर्स में बैकलिंक इंडेक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन तो ये था कि बैकलिंक कब इंडेक्स होते हैं।
अब दूसरी बात हम करते हैं रीजन फॉर नॉट इंडेक्सिंग बैकलिंक, यानी कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से आपके बैकलिंक्स इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन है गूगल इज नॉट एबल टू एक्सेस द पेज कंटेनिंग योर लिंक, यानी कि वही कि जिस भी वेबसाइट पर जिस भी पेज पर आपने बैकलिंक बनाए हैं गूगल के क्रॉलर उस वेबसाइट को उस पर्टिकुलर पेज को क्रॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है उस वेबसाइट पर पेनल्टी पड़ी हो सकता है उस वेबसाइट पर कोई इफेक्ट पड़ा हो कि गूगल के क्रॉलर उसे क्रॉल ही नहीं कर रहे हैं, तो क्रॉल नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें इंडेक्स नहीं होगी। सेकेंड चीज़, कई बार ऐसा होता है कि जिस भी वेबसाइट पर आपने बैकलिंक बनाया है उन वेबसाइट्स पर नो फॉलो या नो क्रॉलर या नो इंडेक्स, बेसिकली नो फॉलो और नो इंडेक्स का टैग लगा होता है। नो इंडेक्स यानी कि उस पेज को इंडेक्स नहीं करना है, नो फॉलो यानी कि लिंक जो है नो फॉलो होंगे वहां से उनको लिंक जूस नहीं मिलेगा। सो अगर किसी भी वेबसाइट पर नो इंडेक्स टैग लगा है, किसी भी वेबसाइट पर नो फॉलो टैग लगा है, तो उस वेबसाइट पर बनाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि वहां पर जब भी गूगल का क्रॉलर उसे क्रॉल करने आएगा उसे पहले ही दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर पेज इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ है। तो जब उस वेबसाइट पर नो इंडेक्स का टैग लगेगा तो गूगल का क्रॉलर आके भी उसे इंडेक्स नहीं करेगा। सबसे पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न जो सबसे ज़्यादा मेरे पास आता है, लोग पूछते कि भाई मैंने HRF पे चेक करा मेरे बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रहे, मैंने सेमरज पे चेक करा मेरे बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रहे, मैंने ऊबर सजेस्ट पे चेक करा मेरे बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रहे। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूँ, जैसे गूगल के क्रॉलर होते हैं Uber Suggest का भी अपना क्रॉलर है, HRF का भी क्रॉलर है, Semrush का भी क्रॉलर है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ये चीज़ मैं अभी आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि इनके क्रॉलर्स अलग अलग होते हैं और इनका इंडेक्सिंग का, इनका बैकलिंक इंडेक्सिंग का तरीका अलग अलग होता है। सो अगर आप एक ही वेबसाइट को तीनों या जिस भी टूल में आप चेक करते हो बैकलिंक चेकर में, उसमें डाल के देखना, आपको बैकलिंक का रेशियो अलग अलग दिखेगा। मैं अपनी ही वेबसाइट का आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, मैंने HRF पे डाली हुई है। अगर आपको HRF चीप प्राइस में परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा कि मैं कहां से HRF यूज कर रहा हूं और कहां से चीप प्राइस में यूज कर रहा हूं। सो ये देखो, ये मेरी वेबसाइट है, मैंने इसे HRF पे डाला, bloggingqna.com। अब इसके देखो यहां पर HRF ने टोटल बैकलिंक कितने इंडेक्स करे हैं, 3.3K बैकलिंक्स। अब यही चीज, सेम चीज मैं ऊबर सजेस्ट पर डालता हूँ, ऊबर सजेस्ट पर मैंने डाला ब्लॉगिंग क्यू एन ए, आप देख रहे हो, और यहाँ पर मेरे ऊबर सजेस्ट ने कितने बैकलिंक इंडेक्स करे हैं, 1731। सो कहाँ 3500, ऑलमोस्ट 3500 बैकलिंक, और कहाँ ऊबर सजेस्ट पर सिर्फ 1700 बैकलिंक इंडेक्स हो रहे हैं। वहीं अगर मैं आपको सेमरस में दिखाऊं तो सेमरस में देखो, सेमरस में यहाँ पर 3200 बैकलिंक्स इंडेक्स हुए हैं, ऊबर सजेस्ट में 1700 बैकलिंक्स इंडेक्स हुए हैं, HRF में मेरे इंडेक्स हुए हैं 3300 बैकलिंक्स। सो कभी भी एक ही टूल पे रिलाय मत रहो। सो अगर आप सोच रहे हो कि आपके कुछ बैकलिंक्स हो सकता है HRF में इंडेक्स हो रखे हों, हो सकता है सेमरस में इंडेक्स हो रखे हों, हो सकता है कुछ आपके ऊबर सजेस्ट में इंडेक्स हो रखे हों, सो ये चीज़ होती है। आप हमेशा ये सोचते हो कि भाई मैंने अपना बैकलिंक बनाया और मैंने HRF में चेक करा, वो इंडेक्स ही नहीं हो रहा। हो सकता है HRF के लिए वो बैकलिंक यूजफुल ना हो बट सेमरस ने उसे इंडेक्स कर रखा हो। सो मैं हमेशा फोकस करता हूँ बैकलिंक बनाने पर, मैं ये चेक नहीं करता हूँ कि वो इंडेक्स हुए हैं या नहीं। अगर बढ़िया वेबसाइट है वो तो वो डेफिनेटली इंडेक्स हो जाएंगे, और अगर किसी कारण से अगर आपका बैकलिंक जिस वेबसाइट पर आपने बनाया है और वो इंडेक्स नहीं हो रहा है, मतलब वो बैकलिंक उस वेबसाइट से बैकलिंक आपका यूजफुल था ही नहीं, तो उसको आप छोड़ दो तो ही बेटर है। उसके पीछे मत पड़े रहो कि ये बैकलिंक इंडेक्स कराना ही कराना। अगर गूगल उसे इंडेक्स नहीं कर रहा, सेमरस इंडेक्स नहीं कर रहा, HRF इंडेक्स नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली वो बैकलिंक बेकार है। सो ये चीज आप एक तरह से मान सकते हो। सो ये चीज मैंने क्लियर कर दी कि तीनों में अलग अलग डाटा शो होता है। सो ऐसा भी हो सकता है कोई बैकलिंक आपका HRF में शो हो रहा हो, इंडेक्स हो रहा है, कोई सेमरस में शो हो रहा हो, इंडेक्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, वेबसाइट इज नॉट क्रॉलिंग। जैसा कि मैंने बताया कि जो वेबसाइट है उस पर पेनल्टी पड़ी है या फिर उस पर नो इंडेक्स टैग लगा है, तो वेबसाइट क्रॉल ही नहीं हो रही, तो वेबसाइट पे बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब जो चौथा रीजन है जिसकी वजह से आपके बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, वो है वर्किंग ऑन ओल्ड बैकलिंक मेथड। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो आज के टाइम पे जो पुराने बैकलिंक के मेथड थे, जैसे सोशल बुक मार्किंग हो गया या फिर बहुत से जो पुराने बैकलिंक के तरीके थे, डेफिनेटली काम वो आज भी करते हैं, बट उनका जो इफेक्ट है, अब बैकलिंक के मामले में ये चीज़ आप क्लियर मान लो, जो बैकलिंक आपको ईजिली मिल जाए
कुछ ज्यादा मेहनत करने पे नहीं मिले तो ये समझ जाओ कि उन बैकलिंक का इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला। जैसे आपको पता है सबसे बेस्ट बैकलिंक का तरीका है गेस्ट पोस्ट, ब्लॉगर आउटरीच या स्क्राइस्क्रैपर टेक्निक, और पता है आपको इनमें कितनी मेहनत लगती है, इजिली ये मिलते नहीं है, और मिलता है तो इनका इफेक्ट कितना तगड़ा होता है। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि गेस्ट पोस्ट पे कैसे आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ला के ज्यादा से ज्यादा गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि गेस्ट पोस्ट के ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊं कि नहीं, क्योंकि आजकल मैं गेस्ट पोस्ट ही ज्यादा कर रहा हूं। सो उसके ऊपर मेरे को कमेंट करके बताना। सो यहां पर चौथा पॉइंट यही है कि आप पुराने तरीकों पर काम कर रहे हो बैकलिंक बनाने के। सो उस केस में क्या होता है, वो बैकलिंक बनाने के तरीके तो हैं बट वो बहुत पुराने हैं और गूगल उनको मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है वो आज की डेट में। पहले बहुत अच्छे काम करते थे, आज भी काम करते हैं बट इतने ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते हैं। सो वो है कि आप पुराने मेथड पर काम कर रहे हो। अगर आप देखोगे, अगर आप गेस्ट पोस्ट कर रहे हो, ब्लॉगर आउटरीच कर रहे हो, स्काई स्क्रैपर कर रहे हो, हारो लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, सो आप देखोगे कि ये वाले जो बैकलिंक्स है ना विद इन 24 आवर्स में आपके इंडेक्स हो जाते हैं। सो अगर मैं अपने देखूं, मेरी जितनी भी गेस्ट पोस्ट वाले बैकलिंक हैं वो विद इन 24 आवर्स में इंडेक्स हो जाते हैं। सो अगर आप चाहते हो इन सब के लिए ऊपर डिटेल एक एक बैकलिंक के मेथड के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थे रीजन, मैंने आपको बता दिया बैकलिंक आपके क्यों इंडेक्स नहीं हो रहे, मैंने आपको बता दिया कि बैकलिंक इंडेक्स होने के क्या क्या रीजन है और कितने टाइम में बैकलिंक इंडेक्स होता है। अब आते हैं इन चीजों का सॉल्यूशन के ऊपर। सो गाइज, अब बात करते हैं कि बैकलिंक को ज्यादा से ज्यादा जल्दी इंडेक्स कैसे कराएं। तो मैं यहां पर दो तरीके यूज करता हूं। सबसे पहला है पिंग सबमिशन फॉर फास्ट इंडेक्सिंग। सो पिंग सबमिशन आई होप आप लोगों को पता होगा, ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूंगा क्योंकि पिंग सबमिशन के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। तो सिंपली जाना यूट्यूब पे और यूट्यूब पर यहां पर टाइप करना पिंग सबमिशन स्पेस ब्लॉगिंग Q&A। सो जैसे ही आप ये टाइप करोगे सबसे ऊपर आपको मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने पिंग सबमिशन डिटेल में बता रखा है। और अगर आपको मेरी पोस्ट पढ़नी है तो गूगल पर जाना और सिंपली सर्च करना पिंग सबमिशन साइट लिस्ट। जैसे ही आप पिंग सबमिशन साइट लिस्ट सर्च करोगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर मेरी वेबसाइट ये देखो रैंक भी हो रही है, कुछ यहाँ पर 10th या 11th पोजीशन पर आपको मेरी ब्लॉग पोस्ट दिख जाएगी। ये देखो 50 प्लस टॉप पिंग सबमिशन साइट लिस्ट फॉर फास्ट इंडेक्सिंग, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको डिटेल्ड गाइड और कौन कौन सी वेबसाइट पे पिंग सबमिशन करना है, कौन कौन सी वेबसाइट पे पिंग सबमिशन करना अच्छा होता है, इस पोस्ट को आके पढ़ लेना। डिटेल में बता रखा है एक एक चीज़, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने बता भी रखा है कि कौन कौन सी पिंग सबमिशन साइट में यूज़ करता हूँ। सो सबसे पहला तरीका है पिंग सबमिशन। दूसरा तरीका जो मैं आजकल काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ वो है, आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका कोई वेब 2.0 बना रखा है आपने, अगर आपने नहीं बना रखा तो वेब 2.0 बना लेना। वेब 2.0 क्या होते हैं, यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत वीडियो मिल जाएंगी। सो क्या करना है आपको, जैसे ये मेरा एक वेब 2.0 वेबसाइट है bloggingqna.blogspot, या फिर आपकी हो सकती है कुछ भी xyz.wordpress.com xyz.weebly.com। अब मैं सबसे पहले देखता हूँ ये मेरी वेबसाइट प्रॉपर क्रॉल हो रही है या नहीं हो रही। सो क्रॉलिंग कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको पहले बताया, मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा और ये देखो मेरी वेबसाइट, ये जो वेब 2.0 है ये 4 मई 2020 को इतने बजे इंडेक्स हुआ था, यानी कि प्रॉपरली वेबसाइट अच्छे से इंडेक्स हो रही है। सो अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल जब भी कोई अपना बैकलिंक बनाते हो, अगर मैं इसकी ही बात करूं, यहाँ पर नीचे आओगे तो जब भी आप अपना कोई बैकलिंक बनाते हो, जैसे मैंने मान लो ये एक कर दिया और मैं यहाँ पर पोस्ट कमेंट करता हूँ, जैसे मैं पोस्ट कमेंट पर करूँगा तो जिस भी वेबसाइट पर आप बैकलिंक बनाते हो उसका देखो एक ऐसे यूनिक URL बन जाता है आपका कमेंट का या सोशल बुकमार्किंग का। आपको क्या करना है, वो बैकलिंक का लिंक उठाना है और यहाँ पर जो भी आपकी वेब 2.0 साइट है उसमें जाके एक न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है और उसमें ऐसे पब्लिश कर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 15-20 बैकलिंक बना लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने ऐसे 15-20 बैकलिंक, आप देख रहे हैं मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, 15-20 बैकलिंक मैंने ऐसे डाल दिए, उसके बाद इस पोस्ट को मैं पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। अब ये पोस्ट मेरी पब्लिश होने के बाद मेरी इस वेबसाइट पर शो होने लग जाएगी। सो यहाँ पर टॉप में वो पोस्ट शो होगी, तो यहाँ पर जब पोस्ट शो होगी तो उसके बाद इस वेबसाइट को मैंने सर्च कंसोल में वेरीफाई करा रखा है, तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके उस पर्टिकुलर पोस्ट को रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के लिए डाल दूंगा। तो उस केस में क्या होगा, मेरी ये वेबसाइट गूगल अच्छे से क्रॉल कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पर गूगल का क्रॉलर मेरी उस पोस्ट पर आएगा और उन सारे बैकलिंक्स को जल्दी से इंडेक्स कर लेगा। तो ये तरीका मेरे को टेलीग्राम ग्रुप के एक मेंबर ने बताया था, तो बहुत बढ़िया तरीका है और डेफिनेटली काम करता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं।
सो ये एक तरीका है जो आजकल बहुत सही से काम कर रहा है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी आपका वेब 2.0 लिंक है उस पर एक नई पोस्ट क्रिएट करो, किसी भी नाम से कोई भी टाइटल डाल के, उसमें जितने भी बैकलिंक्स बनाए हैं 10 20 50 100 वो यहाँ पर आप डाल दो, उसके बाद उसे पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के बाद सर्च कंसोल में जाओ और उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके रिक्वेस्टिंग के लिए इंडेक्स डाल दो, और इस तरीके से आपके बैकलिंक्स इंडेक्स हो जाएंगे। और गाइज अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि एक दिन में हमें कितने बैकलिंक बनाने चाहिए, तो उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो है। आप सिंपली यूट्यूब पर जाना और यहाँ पर सर्च कर देना हाउ मेनी बैकलिंक्स इन अ डे, और सर्च कर देना यहाँ पर आपको मेरी वेबसाइट ब्लॉगिंग क्यू एन ए वाली मिल जाएगी, एक दिन में कितने बैकलिंक बनाने चाहिए। सो गाइज ये थी पूरी डिटेल्ड वीडियो, आई होप आपको डिटेल्ड वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको पूरा बताया कि बैकलिंक आपके क्यों इंडेक्स नहीं हो रहे, इंडेक्स नहीं होने के रीजन क्या है, और कैसे आप इंडेक्स करवा सकते हो। सो वीडियो पसंद है तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना अर्निंग प्रूफ देखने के लिए, और मैं मिलता हूँ आपको एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।